को मिलेगा, LTRO, TLTRO है, वो रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट है, उससे ही संबंधित देखने को मिलेगा, लेकिन एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है, उसको हम बहुत अच्छे से आज डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देखिए, हम आपको मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीतियों में बता रहे थे कि आरबीआई विभिन्न उपकरणों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता को सुनिश्चित करती है, यानी कि उसको अगर लगता है तरलता बढ़ गई है तो तरलता को कम करती है, और उसे लगता है कि तरलता कम हो गई है तो तरलता बढ़ाने का प्रयास करती है, तो विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करती है। तो हम इनके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लासेस बता चुके हैं, तो ऐप पर रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दो भागों में बांटा, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो उपकरण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक पारंपरिक उपकरण, दूसरा गैर पारंपरिक उपकरण, हम लोग बांट करके देखे थे, और इसमें भी हम मात्रात्मक और गुणात्मक प्रकार के देखे थे। तो आप लोग सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ पर रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट के बारे में बता देते हैं, क्योंकि इसका अभी यूज होने वाला है, क्योंकि इसी से संबंधित आपको देखने को मिलेगा LTRO और TLTRO, और TLTRO 2.0 भी आपको बताएंगे कि इस पे क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इस तरह से देखिए, CRR, SLR, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर हम बता चुके हैं। ओके, तो बैंक रेट है, देखिए अभी बंद कर दिया गया, अब इसको यहाँ पर अच्छे से समझिए। देखिए, आरबीआई ने पहले बैंक रेट पर, जो आरबीआई है बैंकों के लिए लंबी अवधि का ऋण प्रदान करती थी, किसका लंबी अवधि का ऋण प्रदान करती थी, लेकिन जब आरबीआई ने LAF मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है वो प्रारंभ किया, तब उसने इस व्यवस्था को बंद कर दिया, यानी कि वो बैंक रेट पर ऋण नहीं देती है, हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नई व्यवस्था LAF लागू की। LAF का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, देखिए इसका नाम ही है, लिक्विडिटी मतलब तरलता, एडजस्टमेंट मतलब क्या है, उसको संतुलित करना, ओके, एडजस्ट करना, और फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रणाली, यानी कि एक ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से वो तरलता को एडजस्ट करती है, भाई जिधर कम है उधर से ले लेती है, जिधर ज्यादा है उधर से ले लेती है, जिधर कम है उधर दे देती है। ओके, तो इसी में आपको देखने को मिलेगा एक रिपो रेट। तो रिपो रेट में क्या होता है, रिपो रेट के तहत आरबीआई बैंकों के लिए ऋण मुहैया कराती है, और इसी का एक आपको रिवर्स देखने को मिलेगा, तो इसीलिए एक और इसका जो टूल है इसी से संबंधित, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, क्योंकि इसके माध्यम से तो बैंक को दे रही है ना, अब जिसके पास एक्स्ट्रा है उससे कैसे लेगी, तो आपको देखने को मिलेगा रिवर्स रिपो रेट आपको देखने को मिलेगा। रिवर्स रिपो रेट का, रिवर्स का मतलब भी होता है विपरीत, यानी कि वो रिपो रेट के क्या होगा, उल्टा होगा, यानी कि इसमें किसको ऋण दिया जाता है, आरबीआई बैंक को ऋण देती है, और इसमें आरबीआई बैंकों से उल्टे रुपए लेती है। ओके, हम बहुत अच्छे से आपको रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट के बारे में बता चुके हैं, लेकिन आपको पता है रिपो रेट हो या फिर रिवर्स रिपो रेट हो, इसके तहत जो ऋण दिया जाता है, जो रिपो रेट है इसके तहत जो ऋण दिया जाता है वो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। ओके, आप लोगों को पता है कम अवधि का ब्याज दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, तो कम अवधि का मतलब क्या है, 90 दिनों से कम का ही वो लोन होगा, लेकिन बैंक है, बैंकों को अधिक अवधि के लोन की भी आवश्यकता होती है, जैसे अभी कोरोना के टाइम में आप लोग जानते हैं सभी वित्तीय संस्थान है उनकी हालत हो गई थी, एकदम खस्ता हो गई थी, और जब कोरोना का टाइम आया तो लोगों ने अपना जो जमा राशि थी बैंकों में जाकर के पैसे जमा किए थे, पप्पू ने पैसे जमा किए थे मटकी की जगह पर, हम आपको बताए थे, अब वो निकाल के खर्च करने लगे, क्योंकि उसकी जॉब तो चली गई है। ओके, अब उसके खर्चे बढ़ गए हैं, घर पर रहता है 2 सालों से बेचारा, और बीबी है तो उनकी डिमांड कम नहीं हो रही है, बच्चे हैं उनकी भी डिमांड नहीं कम हो रही है, तो अब जो रामू है वो पैसे निकालता रहता है, तो बैंक के पास जमा राशि कम हो जाएगी ना, बैंक है उसके पास जमा राशि कम हो जाएगी ना, जो बैंक है, बैंक के पास कोरोना की वजह से आप लोग देखेंगे जो जमा राशि होती है एक कम हो जाएगी। अब जब एक कम हो जाएगी तो ये अन्य लोगों के लिए ऋण नहीं दे पाएगी, ऋण नहीं देगी तो इसका लाभ नहीं होगा तो बैंक घाटे में जाने लगेगी, और एक स्थिति ऐसे आ सकती है कि जो बैंक है वो दिवालिया हो सकती है, बैंक है वो बंद हो सकती है, और बैंक अगर बंद हो गई तो देश की अर्थव्यवस्था
चर माना जाएगी। तो देखिए इसी राशि को बढ़ाने के लिए, मतलब इसी राशि को बढ़ाने के लिए रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट है वो पर्याप्त नहीं था, क्योंकि रिपो रेट रिवर्स रिपो रेट के तहत हम लोगों ने देखा था जो अगर हम व्यवहार में देखें तो एक दिन के लिए जो दिया जाता है उसे ओवरनाइट रिपो के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा आप देखे होंगे कि 7, 14, 21 समांतर दिया जाता है, उससे ज्यादा का समांतर ऋण नहीं दिया जाता है। तो आपको देखने को मिलेगा इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंकों के लिए सिर्फ कम अवधि का ऋण दिया जा सकता था, लेकिन अब भाई कोरोना का टाइम चल रहा है उसके तहत तो जैसे कि अल्प अवधि के लिए ऋण दिया जाता है, जैसे कि अचानक में ज्यादा लोग पैसे मांगने आ गए तो वो रिपो रेट रिवर्स रिपो रेट पे पैसे लेकर के बैंक काम चला लेती थी। लेकिन यहाँ पर कोरोना की वजह से इस जमा राशि को लोग निकालने आ रहे हैं, यानी कि एक लंबे समय तक वो पैसे को निकालेंगे भी, खर्च करेंगे और दोबारा डालने नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता है, जब तक उनको फिर से पहले की तरह उनकी आर्थिक क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से नहीं चलने लगती हैं, ये जमा राशि है वो कम ही रहेगी। अब देखिए रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट के तहत जो बैंक के ऋण लेती है वो तो कम अवधि का था, तो ये आपूर्ति नहीं कर पाती ना, तो इसीलिए आरबीआई ने सोचा सॉरी आरबीआई ने सोचा हम बैंकों के लिए अधिक अवधि का ऋण प्रदान कर देते हैं, जैसे 2-3 साल के लिए ऋण प्रदान कर देते हैं, तो ये जमा राशि है ये कम भी नहीं होगी, और बैंकों के लिए लंबी अवधि का ऋण है वो भी प्रदान हो जाएगा, जिससे बैंक है वो डूबेंगी नहीं। तो उसने कहा कि एक हमें नए प्रकार का उपकरण निकालना चाहिए, तो आरबीआई ने सबसे पहले निकाला, देखिए अच्छे से समझने का प्रयास करिए, सबसे पहले उसने जो टूल निकाला, सबसे पहले जो टूल निकाला उसको बोलते हैं LTRO। ओके अभी इसकी फुल फॉर्म भी समझाएंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके तो देखिए इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन। थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं जिससे जगह ज्यादा मिल जाए, रिपो ऑपरेशन। ओके यानी कि इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का तात्पर्य क्या है, यानी कि बैंक के लिए हम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ऋण है वो मुहैया कराएंगे इस टूल के माध्यम से, इस उपकरण के माध्यम से। ओके लेकिन आप देखेंगे कि आरबीआई ने जब इस पर ऋण देना प्रारंभ किया तो उसने कहा कि ये भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब आरबीआई ने सोचा कि बैंकिंग क्षेत्र है वही सिर्फ संकट की स्थिति में नहीं है, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो संकट की स्थिति में हैं अभी कोरोना के कारण, जैसे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो सकती हैं, बहुत सारी NBFCs हो सकती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी छोटी बड़ी मझली प्रकार की। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट होते हैं वो भी घाटे की स्थिति में चल रहे हैं, संकट की स्थिति में चल रहे हैं, तो सभी को उभारने के लिए कुछ यहाँ पर संशोधन किया गया। तो आप देखेंगे कि इसे कब प्रारंभ किया गया, आपको देखने को मिलेगा इसे फरवरी इसी इसी साल फरवरी 2021 में इसको प्रारंभ किया गया। ओके लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं लगा, तो इसके साथ में एक और चीज है, दूसरा टूल है आरबीआई ने निकाला जिसको बोलते हैं TLTRO। TLTRO देखिए इसमें सिर्फ एक नया शब्द जोड़ दिया, टी टी का मतलब था टारगेटेड। ओके टी का मतलब क्या था, टारगेटेड था, मतलब ये LTRO के समान ही है, ज्यादा इसमें अंतर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एक शब्द जुड़ गया है, यानी कि इसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर दी गई होंगी, तो इसमें देखने को मिलेगा कि आपको टी का मतलब था टारगेटेड, टारगेटेड। ओके तो टारगेटेड का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं टारगेटेड का मतलब होता है किसी लक्ष्य को इंडिकेट करना, मतलब इसमें कुछ टारगेट थे, कुछ लक्ष्य थे, कुछ गोल थे, उन्हें निर्धारित कर दिया गया। क्यों, क्योंकि कहा गया कि भाई हम आपको ऋण तो देंगे LTRO के तहत, हम आपको आरबीआई ने कहा बैंकों के लिए कि हम आपको ऋण तो देंगे, लेकिन इस एक जो ऋण हम आपको देंगे इसी ऋण का एक हिस्सा वो कितना हिस्सा, 50% आपको देखने को मिलेगा, ये जो हिस्सा है वो आपको पहले कहा 35 दिनों के अंदर, TLTRO के अंदर क्या कहा, 35 दिनों के अंदर
कम से कम 50% जो हिस्सा है वो आपको इस टारगेटेड क्षेत्र में निवेश करना पड़ेगा। आखिर ये टारगेटेड क्षेत्र है वो कौन कौन से होंगे उनके बारे में हम अभी बताएंगे, तो किस प्रकार से निवेश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी कहा गया कि अब बैंक थी वो बहुत समस्या में आ गई, तो कहा कि चलो हम TLT 2.0 निकालते हैं इसका संशोधित रूप। तो ये कब आया, ये आपको देखने को मिलेगा मार्च मार्च 2021 में ये आपको देखने को मिलेगा TLTRO। लेकिन TLTRO है भाई, ये बैंकों के ऊपर थोड़ी ज्यादा सख्ती कर दिया। फिर TLTRO 2.0 भी साथ में निकाला गया। देखिए इन सारे उपकरण भी जारी किए जा रहे थे, यानी कि ऐसा नहीं है जो LTRO है उसको बंद कर दिया गया, इनके साथ में भी अन्य उपकरण निकाले गए जिससे बैंक है वो स्वतंत्र है, जिसके माध्यम से ऋण लेना चाहती है वो जाकर के ले लेती है। तो इसमें एक और संशोधन निकाला जिसको बोलती है TLTRO 2.0 या फिर 2.0 कुछ भी इसको बोल लीजिए। अब देखिए ये आपको देखने को मिलेगा जैसे रोबोट 2.0 है, तो इसी इसी तरह LTRO को थोड़ा संशोधित रूप लाया गया, उसको थोड़ा सा परिष्कृत रूप लाया गया, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या कहा गया कि भाई थोड़े से संशोधन कर दिए गए। इसमें नंबर एक कहा गया कि भाई चलो ठीक है, जो आपके लिए हम 35 दिन का टारगेट दिए थे इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो 35 दिन का टारगेट, जो ये 35 दिन का टारगेट है इसको बढ़ा करके 45 दिन कर दिए कि चलो ठीक है 45 दिन में आप लोग इसकी भरपाई कर दीजिए। तो आपको ये सारे टर्म्स से समझ में आए। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। एक कब आया ये आपको देखने को मिलेगा, इसका अप्रैल अप्रैल 2021 में इसका उपयोग RBI ने करना प्रारंभ किया। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि क्यों ऐसी सारी चीजें लाई गई। तो चलिए हम बन बन करके सभी के बारे में बात कर लेते हैं बहुत अच्छे से। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि हम आपको एकदम हलवा की तरह समझाते हैं। जो लोग भी इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो को हम पब्लिक भी करने वाले हैं, क्योंकि LTRO TLTRO में काफी लोगों के लिए समस्या आ रही है, तो ये पब्लिक भी होने वाली है वीडियो। ओके, तो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं इसी जो हमारा ये अभी यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आप लोग एडमिशन भी ले सकते हैं। ओके, जो लोग बात जो लोग इस प्रोग्राम के बाहर जो लोग वीडियो देख रहे हैं। ओके चलिए, अगर हम बात करें LTRO की, अगर हम बात करें LTRO की, ओके, तो LTRO की फुल फॉर्म क्या होती है, अभी हम आपको बताए थे, लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन इसको बोलते हैं। ओके, तो देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा जो RBI है, जो RBI है वो बैंकों के लिए ऋण मुहैया कराती है। बैंकों के लिए क्या मुहैया कराती है, ऋण उपलब्ध कराती है, ऋण उपलब्ध कराती है। अब जब ऋण उपलब्ध कराएगी तो भाई ऋण के बदले RBI को भी तो कुछ चाहिए, वो मुफ्त में तो देगी नहीं ना, तो इसके लिए भाई ब्याज भी तो देना पड़ेगा। ब्याज, तो देखिए ब्याज की दर क्या होगी, आखिरी क्वेश्चन मार्क आता है ना, तो इसमें कहा गया ब्याज की दर है वो उसी तरह से रहेगी जो रिपो रेट पर है। तो यानी कि जो ब्याज की दर है वो आधारित होगी रिपो रेट पर, रिपो रेट पर, यानी कि रिपो रेट जितना है उतना ही ये रहेगा। यानी कि रिपो रेट 4% है तो 4% रहेगा, 3% है तो 3% रहेगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसमें कहा गया कि इसमें जो रेट होगा, दर होगी वो फिक्स रहेगी। ओके, जो दर है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य हुआ यानी कि जिस दिन आप हमसे ऋण लेने के लिए आएंगे, RBI ने कहा जिस दिन आप हमसे ऋण लेने के लिए आएंगे और उस दिन उस डेट में अगर आप देखेंगे रिपो रेट है वो 4% है, तो वो 4% ही रहेगा, चाहे भले ही हम आपके लिए ऋण 1 साल के लिए दें, 2 साल के लिए दें, 3 साल के लिए। भविष्य में अगर जो रिपो रेट है वो कम होता है या फिर ज्यादा होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको उसी दर से देना पड़ेगा ब्याज। ओके, लेकिन आप देखेंगे जो ये ऋण है आखिर कितने दिनों तक दिया जा सकता है LTRO के तहत, तो आप लोग देखेंगे ये ऋण की अवधि है, ये दी जा सकती है 1 साल के लिए कम से कम दिया जाएगा, 2 साल के लिए दिया जाएगा या फिर 3 साल के लिए दिया जाएगा। यानी कि तीन ऑप्शन इसमें दिए गए कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, लिख लीजिए।
तो देखिए यहां पर जब रेट देगा तो उसी तरह सेम प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा रिपो रेट में। तो यहां पर भी सिक्योरिटी है भाई, गिरवी रखनी पड़ेगी कितनी वैल्यू के बराबर, 105% के वैल्यू के बराबर, वैल्यू के बराबर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, लिख लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उन्हें गिरवी रखना पड़ेगा, तभी जो आरबीआई है वो बैंकों के लिए ऋण मुहैया कराएगी। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं वो लिख लीजिए। ओके, इसके बारे में नोट करके लिख लीजिए कि कभी कभार आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो नोट करके आप लोग लिख लीजिए। नंबर एक, अगर इसके तहत पूछा जाए कि कितना ऋण ले सकती है बैंक कम से कम, तो अगर हम मिनिमम की बात करें, अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम है तो बैंक है वो एलटीआरओ के तहत 1 करोड़ रुपए लेंगी। कितना? 1 करोड़ रुपए लेंगी। अगर आप कहेंगे 1 करोड़ से ज्यादा चाहिए तो क्या, कितना ले सकती हैं? तो 1 करोड़ से अगर ज्यादा चाहिए तो आपको देखने को मिलेगा उसके मल्टीपल मिलेंगी। ओके, मल्टीपल का मतलब होता है कि भाई इसकी गुणा कर दी जाएगी, इसकी गुणा कर दी जाएगी एक्स से, तो एक्स की वैल्यू बढ़ाती रही है। यानी कि 1 करोड़ के बाद अगर एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 करोड़ हुआ, एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी कि 2 करोड़ लिया जा सकता है, 3 करोड़ लिया जा सकते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू बदलते रहेंगे, यानी कि मल्टीपल टाइम में फिर ले सकते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा अगर हम मैक्सिमम की बात करें, किसकी बात करें, मैक्सिमम की बात करें कि मैक्सिमम कितना ऋण लिया जाता है, लिया जा सकता है, तो इसकी आपको लिमिट देखने को नहीं मिलेगी कि कितना ऋण, कितना लोन लिया जा सकता है इसके तहत में, इसमें लिमिट नहीं लगाई गई है। हम आपको वहां पर बताए थे रिपो रेट में कि लिमिट थी दोनों में, ओवरनाइट रिपो में 0.25 और उधर आपको जो टर्म रिपो के तहत जो ऋण लिया जाता है उसमें 0.75% एनडीटीएल का आपको देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम की लिमिट नहीं लगाई गई है। इसके अलावा अगर हम रेट की बात करें तो रेट भी लिख लीजिए। अगर हम रेट की बात करें तो रेट आपको देखने को मिलेगा रिपो रेट, रिपो रेट पर होगा, और एक कैसा होगा आपको फिक्स देखने को मिलेगा। भाई कैसा देखने को मिलेगा, फिक्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो भी लिख लीजिए कि भाई जो रेट है वो कितने टाइम के लिए दिया जाएगा, मतलब टाइम पीरियड क्या होगा। तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए रेट दिया जा सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, बस आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब हम लोग चलते हैं TLTRO के ऊपर। LTRO है, एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं TLTRO क्या होता है। तो चलिए दूसरा हम टर्म है जो देख लेते हैं TLTRO के बारे में, क्या है TLTRO। ओके, TLTRO है, एक का प्रारंभ किया गया है ये मार्च 2021 में, इसको प्रारंभ किया आरबीआई ने इस टूल को। ओके, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, टी का मतलब टारगेटेड होता है, तो टारगेटेड का मतलब होता है कि कुछ क्षेत्रों में इसको दिशा निर्देशित कर दिया जाता है कि इतना आपको निवेश करना ही करना पड़ेगा बैंक के लिए। अगर हम आपको ऋण दे रहे हैं, जैसे हमने आपको 100 रुपए ऋण दिया है, तो 100 रुपए ऋण में से 50 रुपए आपको इन क्षेत्रों में निवेश करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई उनकी भी स्थिति क्या है, संकटग्रस्त है, तो इसीलिए उनको भी ऊपर उभारना है तो उनमें निवेश की आवश्यकता है, तो इसीलिए बैंकों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो किसमें होगा। तो आपको देखने को मिलेगा विभिन्न प्रकार के जो कॉरपोरेट डिबेंचर होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो सिक्योरिटीज हैं, प्रतिभूतियां हैं, वो जारी की जाती हैं, तो उनमें निवेश करने की बात की गई है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो अगर आरबीआई है, ओके, जो आरबीआई है, वीडियो क्या रुक रही है, आप लोग बताइए क्या वीडियो रुक रही है। ओके, देखिए आपको देखने को मिलेगा जो आरबीआई है वो बैंक के लिए क्या देगी, रेट देगी। ओके, क्या देगी, बैंक के लिए रेट देगी। अगर बैंक के लिए रेट देगी तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आरबीआई है तो उसको ब्याज भी मिलेगा। तो अगर हम बात करें रेट की, ओके, तो रेट है तो रेट दिया, तो रेट के बदले क्या मिलेगा बैंक के, आरबीआई के लिए क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा ना, ब्याज मिलेगा। तो सेम प्रोसेस वही देखने को मिलेगा। तो रेड है, रेड इसमें कितने समय के लिए लिया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें रेड है वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए लिया जा सकता है। यानी कि एलटीआरओ था
उसमें 1 साल 2 साल 3 साल के लिए ऋण लिया जा सकता था, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए ही ऋण दिया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। ब्याज क्या होगा भैया, ब्याज की जो दर है वो रिपो रेट पर निर्भर करती है, किस पर लिंक है वो, किससे, रिपो रेट से, यानी कि जो रिपो रेट की दर रहेगी, रेट रहेगी, वही सेम यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन ये फिक्स नहीं है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये फिक्स आपको नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि ये फ्लोटिंग होगी, यानी कि अगर टीएलटीआरओ के तहत कोई बैंक या आरबीआई से लोन लेती है तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे जैसे रिपो रेट है वो चेंज होगा वैसे वैसे उसकी भी दर परिवर्तित होगी, यानी कि अगर जब वो ऋण लेने आई थी उस वक्त रिपो रेट था, उस वक्त रिपो रेट था वो 4% था, लेकिन 6 महीने के बाद या फिर अगले साल है वो घट करके 2% हो गया तो उसका भी 2% हो जाएगा, बढ़ करके 6% हो गया तो उसका भी क्या हो जाएगा, 6% हो जाएगा। यही आपको ध्यान रखना है, TLTRO और LTRO में एक छोटा सा डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए इसमें भी हम लोग नोट करके देख लेते हैं कि भाई कि इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो चलिए आपको बताते हैं, तो जो ये ऋण दिया गया है ना, ये ऋण दिया गया है जो अभी हम आपको बताए थे, इसमें से एक हिस्सा बैंक के लिए निवेश भी करना है, तभी तो TLTRO हुआ। टारगेटेड का मतलब क्या है कि भाई कहीं पर टारगेट किया जा रहा है, तो इसमें से एक हिस्सा है उसको क्या आपको देखने को मिलेगा, उसको कहीं ना कहीं निवेश करना पड़ेगा। कौन से क्षेत्रों में, जो क्षेत्र बताए गए हैं उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करना होगा। कितने दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर, 45 डेज के अंदर, पहले ये 35 डेज था आप लोग जानते हैं, और इससे TLTRO जो 2.0 था उसके तहत आपको देखने को मिलेगा कि इसे चेंज कर दिया गया। ओके, तो 45 दिन में इसे निवेश करना होगा। ओके, तो कितना भाग, 50% भाग, तो चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ निवेश करना होगा। ओके, चलिए उस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। तो नंबर एक आपको देखने को मिलेगा, जो 10% है, जो 10% भाग है इसका, जो रेड का 10% भाग होगा वो कहाँ होगा, वो आपको देखने को मिलेगा MSI। ओके, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है वहां पर जाकर के निवेश करना पड़ेगा 10% का। ओके, जो भी रेड का हिस्सा है। ओके, इसके अलावा जो रेड है उसका आपको देखने को मिलेगा 15%, 15% भाग है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से इनमें निवेश करना पड़ेगा। कौन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ध्यान रखिएगा, जिनकी जो नेट वर्थ है वो आपको देखने को मिलेगा 500 करोड़ से कम है, 500 करोड़ रुपए से कम आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा 25% हिस्सा है वहां निवेश करना पड़ेगा, ऐसी NBFCs जिनकी जो नेट वर्थ आपको देखने को मिलेगी वो 500 करोड़ से लेकर के 5,000 करोड़ के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये चीज आपको देखना ही है, ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए इसमें भी नोट करके लिख लीजिए, इसमें भी नोट करके लिख लीजिए, चलिए नोट करके आपको लिखना है क्या क्या। ओके, नोट करके लिखना है, नंबर एक आपको लिखना है कि मिनिमम इसमें कितना लोन लिया जा सकता है भाई, तो सेम प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 1 करोड़, अगर 1 करोड़ से ज्यादा लेना है तो इसे आपको गुणांक में लेना पड़ेगा, मतलब 1, 2, 3 जो भी यहाँ पर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम बेस भी इसमें लिमिट देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो जितना भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए ऋण लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम रेट की बात करें तो ये लिंक्ड है किससे, रिपो रेट से लिंक्ड है, और जैसे जैसे परिवर्तित होगा वैसे वैसे इसकी भी रेट है, मतलब दर है वो परिवर्तित होगी। इसके अलावा अगर कहा गया है जो 50% भाग है वो इन तीन क्षेत्रों में निवेश करना है, अगर वो इस हिस्से को निवेश करने में आप सक्षम रहते हैं तो क्या होगा, तो आप लोग देखेंगे कि जो हिस्सा है निवेश करने के लिए बोला गया है उस हिस्से का अगर निवेश नहीं किया गया है तो
तो जुर्माना लगाया जाएगा, मतलब जितना परसेंट बोला गया है भाई वो करना पड़ेगा, नहीं तो जुर्माना लगेगा, फाइन लगेगा। जुर्माना कितना लगेगा भाई, तो चलिए जुर्माना की बात कर लेते हैं। तो जुर्माना है उस हिस्से पर, जैसे कि मानते हैं 100 रुपए दिया था और उसमें से 40 रुपए थे वो इन हिस्सों में दे दिए थे, लेकिन 10 रुपए नहीं दिए थे। कितने नहीं दिए थे? 10 रुपए, यानी कि 10% कम दिया तो 10 रुपए नहीं दिए, उस 10 रुपए के ऊपर जुर्माना लगेगा। लेकिन किस रेट से लगेगा? तो उस 10 रुपए के ऊपर रिपो रेट, रिपो रेट जो भी रिपो रेट चल रही होगी वो +2% उससे अधिक, ओके +2%। ये है इतनी दर से जुर्माना लगाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानते हैं रिपो रेट है वो 4% है, कितना है? 4% रिपो रेट है, और प्लस आपको 2% एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब 6% की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। और मानते हैं वो हिस्सा कितना था, अभी हमने आपको बताया था कि जैसे कि 100 रुपए है, 100 रुपए में से 40 रुपए इन क्षेत्र में निवेश कर दिया, लेकिन अभी 10% कम है क्योंकि 50% निवेश करना था। तो आप देख सकते हैं कि 10 रुपए का 6% कितना, वो 6 रुपए, तो यानी कि 6 रुपए क्या हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा उस बैंक के ऊपर, उस बैंक के ऊपर जुर्माना हो जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, आपको एग्जाम्पल बता देते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जैसे कोई आप बैंक है, तो बैंक के लिए किस पर, जो TLTRO है, ओके, इस पर ऋण दिया गया 100 रुपए का ऋण दिया गया, 100 रुपए का ऋण दिया गया, और बताए थे इसमें से 50% हिस्सा है वो तीन क्षेत्रों में देना है, जो अभी बताए थे 10%, 15%, 25%। तो तीनों को जोड़े, चारों तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा ना। तो इस 50%, 100 रुपए का 50% कितना हुआ, 50 रुपए, यानी कि 50 रुपए इन तीन क्षेत्रों में निवेश करना था, निवेश करना था 50 रुपए। लेकिन बैंक ने क्या किया, इस बैंक ने क्या किया, इसमें से 40 रुपए तो भाई जहां जहां इसको बोला गया था निवेश करने के लिए वो निवेश कर दिया, लेकिन 10 रुपए इसने निवेश नहीं किया, 10 रुपए इसने अन्य लोगों को ऋण के रूप में दे दिए। तो इस 10 रुपए के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना कितना लगाया जाएगा, रिपो रेट +2%। अभी हम क्या माने थे, रिपो रेट कितना है, 4% रिपो रेट है, और +2% कितना हो गया, तो इस पर 6% की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। तो 6% की दर से जुर्माना लगाएंगे तो कितना हो गया, 10, 10 का 6% आपको देखने को मिलेगा 6 रुपए हो गया। तो 6 रुपए क्या लगेगा, बैंक के ऊपर जुर्माना लगेगा। तो ये बैंक के ऊपर जुर्माना लगेगा। आप लोगों ने देख लिया ना किस तरह से सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं, कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन चीजों में, और सारी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, तो अगर आपसे यहाँ पर लिख लीजिए, एक छोटा सा यहाँ पर बता देते हैं आप लोगों के लिए कि जो LTRO है, LTRO है, ओके, और जो TLTRO है, TLTRO है, ओके, इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर हम टाइम की बात करें, ओके, अगर हम टाइम की बात करें, अगर हम टाइम की बात करें, तो इसमें 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए ऋण दिया जा सकता है, ओके। लेकिन इसमें आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ जो टाइम है वो कितना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर्स रहेगा, ओके। मतलब 3 साल के लिए ही ऋण दिया जा सकता है, कम ज्यादा के लिए नहीं दिया जा सकता है। और इसमें जो मिनिमम एंड मैक्सिमम की जो कैटेगरी है, मैक्सिमम की जो कैटेगरी है वो दोनों में क्या है, सेम है, दोनों में क्या है, सेम देखने को मिलेगी। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम कितने अमाउंट में ऋण लिया जा सकता है, तो दोनों में आपको सेम देखने को मिलेगा, ओके। अगर हम रेट की बात करें तो रेट भी इम्पोर्टेंट है। तो रेट में देखें तो ए भी रिपो रेट पे लगेगा, रिपो रेट के आधार पर लगेगा, लेकिन ये कैसा होगा, ये आपको देखने को मिलेगा फिक्स होगा, ओके। कैसा होगा, फिक्स होगा, लेकिन यहाँ पर जो रेट है वो रिपो रेट से लिंक होगा, रिपो रेट से लिंक्ड होगा। लिंक्ड का मतलब क्या है, जैसे जैसे ये परिवर्तित होगा तो ये भी परिवर्तित होगा, यानी कि ये फिक्स नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो टारगेट है वो सेट नहीं किया गया है, यानी कि जितना ऋण ली है बैंक वो कहीं भी निवेश कर सकती है। लेकिन इसके तहत आपको देखने को मिलेगा चौथा पॉइंट है कि
कि इसमें टारगेट सेट किए गए हैं, टारगेट सेट किए गए हैं जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, आप लोगों को समझ में आ गई एलटीआरओ की। एलटीआरओ में एक छोटा सा टॉपिक था, ओके, जो हमने कवर कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये देखिए रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, इन सभी के बारे में बता चुके हैं। देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, इसके तहत भी ऋण दिया जाता है, लेकिन आप लोग देखेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए दिया जाता है, तो यानी कि दीर्घ काल के लिए ऋण की व्यवस्था नहीं थी, वो इसके तहत कर दी गई। ओके, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ये सारी चीजें हम आपको बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ओके, क्या हो गया पता नहीं, आंख में बार बार कुछ आवाज आ रहा है। ओके, ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंकिंग सिस्टम क्या